सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर पॉइंट को, बेल आइकन जरूर दबाएं हमें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों वीवो ने कर दिया अपना बिल्कुल नया फोन लॉन्च जो कि वीवो 9। तो आप मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसी वीवो 9 के बारे में, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या इसमें अच्छाई है, क्या खामियां है और मेरे ओपिनियन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आपका स्वागत है टेक्निकल मास्टर पॉइंट में। लेट्स गो। सॉरी दोस्तों, अभी तो मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है जिससे मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखा सकूं, लेकिन आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या अच्छाई है और क्या खामियां हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, ये फोन आता है 6.3 इंच का और साथ में 19:9 एक्सपेक्ट रेशो के साथ, यानी वही पतला लंबा स्क्रीन का है। और ये आगे से बिल्कुल एप्पल की, मतलब जो एप्पल का जो आईफोन 10 है बिल्कुल वैसा लगता है। आगे से ऊपर से नॉच है, उसी नॉच के अंदर लगा दिया है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, उसका एपरेचर है F2 का, उसी नॉच के अंदर अपन को मिल जाता है बाकी सारे सेंसर्स वगैरह। तब दोस्तों अगर अपन इसके पीछे की तरफ जाए तो अपन को मिलता है इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर और वर्टिकल लेआउट कैमरा ड्यूअल कैमरा सेटअप जो कि है 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर भी है F2 का ही। तो दोस्तों करा तो देखो साफ बात यह है कि इस वीवो ने कॉपी करी बिल्कुल एप्पल आईफोन 10 की। ये तो दिखता है पीछे का कैमरा भी वैसा लगा दिया और सामने का भी नोच तो यही सही। तो दोस्तों बस पीछे इतना सा अंतर है कि जो कैमरा है, जो मतलब जो ड्यूअल कैमरा के बीच में अपन को फ्लैश नहीं मिलता, उसके जस्ट नीचे मिलता है इस अपने वीवो के अंदर, तो इसके जस्ट नीचे अपन को फ्लैश मिलता है। दोस्तों इसके अंदर जो अपन का चिपसेट मिलता है, प्रोसेसर मिलता है, वो मिलता है अपन को स्नैपड्रैगन का 626 थम्स अप, क्योंकि कम से कम अपना वीवो स्नैपड्रैगन के ऊपर तो आया। जैसे पिछले साल कर देते थे V7 और V7 प्लस में स्नैपड्रैगन का 450 लगा के चला दी गए रैली जो भी बोलते हैं। अब दोस्तों इस बार इसने करा है स्नैपड्रैगन का 626 जो कि नया प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ चलो यार थोड़ा ट्रस्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों इसके अंदर अपन को मिलता है 4 GB की रैम, 64 GB की रोम, उसके अलावा साइड में अपन को वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाते हैं, नीचे पावर अनलॉक की और लॉक की मिल जाती है, इसके नीचे अपन को एक माइक ग्रिल मिल जाती है, नहीं माइक सॉरी सिंपल माइक मिलता है, अपन को नीचे मिलती है स्पीकर ग्रिल, उसके साथ अपन को मतलब सी टाइप तो पोर्ट है नहीं इसमें, खाली सिंपल पोर्ट दे दिया है, मतलब जो नॉर्मल चार्जर करता है ना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर नहीं रहा है। ऊपर की साइड अपन को सेकेंडरी माइक वगैरह मिला जाता है, ये सब है इस फोन में। अब दोस्तों इसके अंदर बस एक खास चीज डालती है, वो चीज है FSID। ये सब तो है भाई, ये है इसके औपचारिक के सारे क्या क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं भाई कि क्या है वीवो ने क्या मक्कारी करी है। तो देखो बैटरी कैपेसिटी है 3260 mAh की, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं है, चलो ठीक है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या इसने करी है जो खामियां वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो खामी निकल के आती है भाई, इसके अंदर अभी भी 626 प्रोसेसर यूज कर रहे, जो अभी मैंने आपसे बोला 626 मतलब इतना अच्छा नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है, लेकिन हाँ थोड़ा ट्रस्ट है। लेकिन जो इसमें रैम दी है ना उसके से ये प्रोसेसर कोई काम का नहीं। इसमें रैम आप सोचेंगे 4 GB के रैम पे क्या खराबी हुई, रैम इतनी अच्छी है ये सब है और बाकी सब अच्छा है। तो रैम आपको बता दूँ इसमें DDR3 रैम डली हुई है, जो कि ये स्नैपड्रैगन का 626 सपोर्ट ही नहीं करता, उस फोन की मतलब वाली रैम को सपोर्ट ही नहीं करता। फिर क्या मतलब इतनी रैम का, 4 GB रैम पे 4 GB रैम पे क्या मतलब इस रैम का। बस दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी चीज जो करी है वीवो ने वो है फुल HD डिस्प्ले। पिछली बार की तरह खाली HD डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, वो की एक अच्छी बात है, उसके लिए थम्स अप भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें इस फोन के और खामियों की, देखा था सी टाइप चार्जर पोर्ट, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट तो कम से कम देना चाहिए था। 2018 चल रहा है, अगर अपन 17 में बात करें तो 17 के अंदर अपन को इतना नहीं मिलता था, लेकिन अब 18 आ चुका है, 18 में तो मिलना चाहिए। ऐसे Xiaomi ने भी करा Note 5 और Note 5 Pro में, कम से कम उन्हें सी टाइप तो लॉन्च करना चाहिए ना, उन्हें लॉन्च ही नहीं करा सी टाइप। फिर बात करते मतलब क्या मतलब हंसी आती है अंदर से यार, 2018 आ गया जब भी ऐसी कर रहे हैं मक्का रही है लोग, तो समझ तो आ नहीं रहा मेरे को क्या बात हो रही है। लेकिन जो 2018 के अंदर अपन को सी टाइप चार्जर मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा, उसकी वजह एक नॉर्मल चार्जर मिल रहा है, वो जैसे Xiaomi ने करा MI A1 में ला रहे जब भी नहीं कर रहे, तो ये समझ नहीं रहा। इसके अंदर अपन को वीवो के अंदर मिल जाती है फेस आईडी,
जो कि सेम एप्पल से चलाई गई है। अब भाई बताओ क्या है कंपनियों का, सारी कंपनियों का फेस आईडी का, सारी कंपनियों का यही है फेस आईडी का। एप्पल ने लगा दिया तो लगा दिया, एप्पल ने हटा दिया तो हटा दिया। बस वीवो का यहाँ पे एक अच्छा काम करा कि इसे पूरी एप्पल की कॉपी नहीं करी, ये सबसे अच्छी बात है कि वीवो ने पूरी कॉपी नहीं करी, वरना ये भी फिंगरप्रिंट सेंसर हटा देता तो फिर क्या होता अपन का, कुछ नहीं, डंडा गोल। तो यही होता, फिर फेस आईडी लगा दी तो इन लोगों ने सब में फेस आईडी। अब इनकी जो तो फेस आईडी है ना, वो सच्ची में बताऊं तो कौन सी फेस आईडी है, ये फेस आईडी से शॉर्ट फेस आती है, कैमरा अपना फोटो देख लिया खुल गया तो हाँ भाई बहुत अच्छी, तालियां बजाओ तालियां बजाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब एक अपना फेस देख के कोई फोन खोल रहा तो इसका तो ना ये फेस आईडी है, मतलब अच्छा है। अगर अपन ऐसी बात करें, सैमसंग का भी S9 आया है तो सब आयरस स्कैनर भी इसका, मतलब एक लगता है उसमें ट्रस्ट होते हैं हाँ कि भाई इसमें थोड़ा सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। OnePlus 5T अब ला रही है, सारी कंपनियां ला रही है फेस आईडी से, डाल देता हम भी डालेंगे हम भी डालेंगे। भाई एप्पल के पास खुद का एक सिक्योरिटी है, अच्छा है वो, लेकिन यहाँ तो फिर वही बात हो जाती है, वीवो है वीवो है वीवो है। जो मुझे जो तीसरी खामी लगती है इस फोन के अंदर, वो तो भाई इसका पीछे का जो है, मतलब डिब्बा पीछे का दे रखा है, वो है पूरा का पूरा प्लास्टिक का। भाई 23,000 रुपये खर्च करेंगे, 23,000 रुपये, उसमें अपन को क्या मिलने वाला है, प्लास्टिक का डिब्बा, कम से कम एक गिलास का डिब्बा लगा देते हैं यार, मतलब गिलास लगा दे डिब्बा क्या होता है, गिलास लगा देते पीछे तो वो भी चलता, मेटल लगाते तो वो भी चल जाता, लेकिन लगाया क्या फिर से वही प्लास्टिक। तो भाई 2018 चल रहा है, 30,000 का फोन लगा रहे हो, और बस क्या है मार्केटिंग अच्छी है, लगा दिया एक अच्छे से एक्टर को और चिपका दिया फोटो, पूरे मार्केट में भर दिया। आसपास देखना कभी आपके मार्केट में बाहर जाके, वीवो 9 सेल्फी ऐसा, सेल्फी एक्सपर्ट सब कुछ, बस यही है वीवो का, यही कर रहा है वीवो, बस अपनी इसी मस्त बोला है ये, क्या बोले लोग दीवानी हो रही है इंडिया के आधे से ज्यादा लोग, और वीवो के कैमरे सेल्फी चाहिए सेल्फी। देखो सब कुछ सेल्फी से नहीं होता, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सब कुछ सेल्फी से नहीं हो सकता। सेल्फी अपन कहाँ तक सेल्फी यूज करोगे, प्रोसेसर भी तो अच्छा होना चाहिए। बस इसमें एक अच्छा काम करा है, जो इसमें दी है अपन को एक जो स्लॉट है उसमें 2 नैनो सिम प्लस 180 GB तक का एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, वो सबसे अच्छी बात लगी वीवो की। चलो कम से कम बाकी कंपनी से हाइबर सिम तो नहीं लगा रखा, हाइबर स्लॉट, ये सबसे अच्छी बात लगी। बाकी मतलब मजा नहीं आ रहा, मतलब जो अंदर से आती ना फीलिंग, पहले जब स्टार्टिंग में वीवो आया था जो अंदर से फीलिंग आती थी वीवो वीवो वीवो, वो नहीं आ रही फीलिंग। इससे अच्छा है थोड़ा ओप्पो कर देता है, कहना मेटल वेटल तो ला देता है, ये तो वो भी नहीं कर रहा है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब अंदर से निकल नहीं रहा, मतलब हाँ यार नहीं ये अच्छा है फोन, इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बस सेल्फी के पीछे सब मर रहे हैं और कुछ बात नहीं है इसमें। क्या बोलो अब, फोन ऐसा है क्या, बस फेस आईडी दे दी, फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे लगा दिया, आगे से नॉच दे दी, एप्पल वाला लुक दे दिया, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं दिया, एप्पल के नीचे की तरफ है ना बेजल्स कम है, बहुत कम है राउंड में, लेकिन इसमें बेजल्स दे दिए। मतलब क्या बोलो, मतलब कॉपी भी कर रहे हैं कॉपी भी नहीं कर रहे, फोन नया लॉन्च कर भी रहे नहीं कर रहे। इसी बात नहीं कि वीवो मतलब अच्छे फोन लॉन्च नहीं करेगा, वीवो का भी जो उसने कॉन्सेप्ट होता है एपेक्स, वो सबसे अच्छा लगा मेरे को अभी तक का, क्योंकि उसमें पूरी पूरी की स्क्रीन मिल रही है अपन को और ऊपर से कैमरा निकल रहा है, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया वीवो जो अपन को काफी अच्छा लगता है और देखने में भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन भाई आप कॉन्सेप्ट अच्छा ला रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा, आप कंपनी अच्छी है सब अच्छी बात है, आप सब पैसा लगा सकते हो सब कर सकते हो, फिर क्यों ऐसी मक्कारी करते हो पब्लिक के साथ, वही मक्कारी करने पे लग रहे हो। 626 स्नैपड्रैगन का लगा दिया, सी टाइप चार्जर पोर्ट नहीं है, फास्ट चार्जिंग का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे उसके पास, आपने लगा दिया पीछे प्लास्टिक का डिब्बा, ये कैश देता था फ्री में कि लगा लो सेफ और रख लेंगे आप, ये वो बैटरी देता 3,260 mAh की, मतलब इससे बढ़िया तो अगर अपन देखें ना तो सर सस्ता अपन को मिल जाता है Note 5 Pro वगैरह। हम तो हंसी आ रही है अंदर से कि Note 5 Pro वगैरह भी मिल जाता है, सर सस्ता है उससे ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन है। हाँ थोड़ा कैमरा में थोड़ा सा एवरेज है, Note 5 इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, वीवो के सामने थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है। और यहाँ पे वीवो से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, उसने मूनलाइट फ्लैश लगाना ही भूल गया। मूनलाइट फ्लैश लगाना भूल गया सबसे बड़ी गलती, मतलब क्या है वीवो को याद नहीं है कि मूनलाइट फ्लैश लगाना है, मुझे तो लगा था इस बार जो नया वाला फोन आएगा उसमें सनलाइट फ्लैश आएगी वीवो की, या तो मूनलाइट या सनलाइट कोई भी फ्लैश नहीं है, सिर्फ आगे एक सेल्फी कैमरा लगा दिया वो भी 24 MP का, जो कि अच्छी बात है। बस दोस्तों यही था, अगर दोस्तों आप रियली अगर मेरे ओपिनियन सुनना चाहते हो ना, तो ये फोन बिल्कुल एवरेज एवरेज है। अगर आप एक अगर सेल्फी लवर हो
और आपका अगर फोटो ही फोटो चाहिए तो ये फोन आप खरीद लीजिए, अच्छा है। या फिर आपको iPhone 10 वाला फीलिंग लानी है तो खरीद लीजिए, ये जब भी अच्छा है। ये iPhone 10 से भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ी स्क्रीन मिलती है 6.3 इंच की, जो कि काफी अच्छी बात है। बस दोस्तों, अगर मार्केट में खरीदने जाऊँ ना ये फोन, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 14,000 दूंगा। चलो 15,000 दे दूंगा, 15,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, 15,000 भी इस बात के दूंगा कि एक अच्छा सा नॉच आगे दे दिया है, बढ़िया सा पूरा फोन दे रखा है, 4K रिकॉर्डिंग, आगे पीछे 4K रिकॉर्डिंग भी है, आगे पीछे 4K रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन मतलब मजा अंदर से आना चाहिए वो नहीं। बस यहाँ पे सबसे अच्छा है कि फुल HD स्क्रीन है, पिछली बार की तरह HD स्क्रीन तो नहीं है। बस बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे, Vivo 7 V7 Plus बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे, बेच दिए सारे फोन में दिए। अरे मतलब सीरियसली बताऊँ ना, मेरी मतलब जो कजन दी है उसके पास भी Vivo V7 है। मतलब मैंने खुद ने उसे चला के देखा है, मतलब फीलिंग नहीं आती, उसकी रैम भी इतनी अच्छी नहीं है, और अभी की रैम तो DDR5 रैम है, जो कि बिल्कुल ही दोस्तों, जो एक बात और मुझे जो अच्छी लगी वो है कि इसमें अपन को मिल जाता है ओरियो अपडेट, जो कि दूसरी जो कंपनीज अभी आ रही है, शॉमी वगैरह अभी भी नोवर्टी दे रही है, इसमें ओरियो मिलता है, इसके लिए भी थम्स अप मिलता है इसे। तो दोस्तों बस ये थे सारे मेरे ओपिनियन। अगर आपको कुछ सुझाव तो लाओ तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये मैं ऐसे ही रोज नई नई वीडियो रोज लाता रहूंगा। तो दोस्तों एक यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये है मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर। इससे पहले मैं अपना चैनल चलाता था दूसरा दी टेक गुरु के नाम से, उसे मैं बंद कर चुका हूँ, क्योंकि दो ही वीडियो डली थी और काफी टाइम से मैं उस पर कोई नई वीडियो डाल भी नहीं पा रहा था, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी, तो यही था। मम्मी पापा ने डालने नहीं दिया, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, अब जाके अलाउ करने लगे हैं। तो मैं अपना नया चैनल बनाया, इसके ऊपर अब से नया मतलब नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इसके अंदर, उम्मीद तो है, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।